A very good morning to all my dear students. How are you all? Hope you all are fine at your home. Students, today I am going to take the grammar worksheet, the revision of the grammar that आपकी students grammar की कोई book नहीं है तो grammar का जो portion है वो आपके chapters के बाद है उसकी मैं आपको two exercises करा चुकी हूँ. आज मैं next two exercises आपको explain करने जा रही हूँ. These exercises are very easy. बट स्टूडेंट्स लिसन, आपको इसको ध्यान से सुनना है, समझना है, तभी आपको ये चीज समझ आएगी, अदरवाइज आपको ये चीज समझ नहीं आएगी. सो लिसन प्रॉपरली, केयरफुली, कॉन्सेंट्रेट हियर. सो लेट्स स्टार्ट. दिस एक्सरसाइज सी इज गिवन ऑन पेज नंबर 42 ऑफ योर इंग्लिश बुक. फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट नेम ऑफ प्लेस. आपका जो नेम्स ऑफ थिंग्स, प्लेस, पर्सन्स, एनिमल, दीज आर कॉल्ड नाउन्स या नेमिंग वर्ड. नाम वाले शब्द किन्हें कहते हैं? जगहों के नाम, इंसानों के नाम, जानवरों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, लोगों के नाम, जगहों के नाम, चीजों के नाम, ये सारे क्या होते हैं? नेम्स. नेम्स ओके, मतलब नाम वाले शब्द, नेमिंग वर्ड्स. सो आज हमको यहां पे ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करके इन ब्लैंक्स को फिल करना है. ये ब्लैंक्स में लेकिन डालना क्या है, लिखना क्या है हमको यहाँ पे? प्लेस का नेम, जगह का नाम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वी सी अ क्लाउन इन द डैश. हम जो क्लाउन है वो देखते कहां पे है? क्लाउन का मतलब क्या होता है? डू यू नो, क्लाउन का मतलब होता है जोकर, जो अपनी नोज के ऊपर बॉल लगा के फनी फनी बातें करता है, फनी फनी हरकतें करता है और आपको हंसी आ जाती है. क्या वो जू में मिलता है या वो सर्कस में मिलता है? जू में कैसे मिलेगा? जू में तो सारे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं. तो जो हमारा क्लाउन है वो कहां पे मिलता है हमको? सर्कस में. सो हमको यहां पे क्या राइट करना है? सर्कस. पहले आपको टिक करना है यहां, फिर राइट करना है सी आई आर सी यू एस, सर्कस. नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन, वी स्टडी इन अ डैश. हम पढ़ते कहां पे हैं? स्टडी मतलब पढ़ाई करना. कहां पे करते हैं? स्कूल में जाके या मार्केट में जाके? मार्केट में जाके आप स्टडी करते हो. मार्केट में जाके तो आप सामान लेते हो, बाय करते हो, थिंग्स बाय करने जाते हो. और स्टडी कहां करने जाते हैं? स्कूल में. सो द करेक्ट आंसर इज स्कूल. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टिक ऑन स्कूल एंड देन यू हैव टू राइट स्कूल इन द ब्लैंक, एस सी एच डबल ओ एल. नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, अ फायरमैन वर्क्स इन अ डैश. फायरमैन कौन होता है? जो आग बुझाता है. दमकल कर्मी बोलते हैं इसको हिंदी में हम. जो आग बुझाता है, जहां पे आग लग जाती है ना तो फटाफट एक फायर वैन जाती है, फायर बस जाती है. तो वो काम कहां पे करता है? तो वो उसको आपको बुझाते हैं, तो उसको जो आग बुझाता है उसको बोलते हैं फायरमैन. अब ये बोले फायरमैन काम कहां पे करता है, तो वो कहां पे काम करता है? बस स्टॉप पे काम करता है या फायर स्टेशन में? ऑब्वियसली बस स्टॉप पे, तो फायरमैन काम क्यों करेगा? तो वो कहां करता है? फायर स्टेशन. सो यहां पे आपको टिक करना है और यहां पे आपको क्या लिखना है? एफ आई आर ई फायर, एस टी ए टी आई ओ एन, फायर स्टेशन. नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन, अंकल इज गोइंग फॉर अ वॉक इन द डैश. अंकल जा रहे हैं वॉक करने, मतलब सैर करने. कहां पे? पार्क में या किचन में? अब आप बताइए, आपके पापा कभी भी रात को खाना खाने के बाद किचन में तो वॉक करने जाते नहीं है, या आप कभी किचन में तो वॉक करने जाते नहीं है मॉर्निंग में? तो ऑब्वियसली वॉक कहां पे करने जाते हैं हम? पार्क में. सो अंकल भी कहां पे गए हैं वॉक करने? पार्क में. तो आपको यहां पे पहले टिक करना है और यहां पे राइट करना है पी ए आर के, पार्क. नाउ कमिंग टू द फिफ्थ वन, द डॉक्टर इज इन द डैश. जो डॉक्टर है वो कहां पे है, कहां पे काम करता है? कहां पे है ऐसे मतलब वो कहां पे होगा, डॉक्टर कहां पे होगा? आप जब कभी हॉस्पिटल में जाते हो तो आप बोलते हैं डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर कहां बैठे होते हैं? अपने ऑफिस में या अपने क्लिनिक में? ऑफिस में थोड़ी, क्लिनिक होता है उनका, वो जो उनका रूम होता है दैट इज नोन एज क्लिनिक. सो द करेक्ट आंसर इज क्लिनिक. आपको यहां टिक करना है और यहां राइट करना है सी एल आई एन आई सी, क्लिनिक. सो स्टूडेंट्स नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज नंबर डी, अंडरलाइन द नेम्स ऑफ एनिमल्स. अब आपकी एक एक्सरसाइज है ये डी एक्सरसाइज, इसमें आपको कुछ नहीं करना, दिस इज रियली वेरी इजी. आपको इसमें ओनली जो एनिमल्स के नेम है
उसके नीचे बस अंडरलाइन करनी है, वेरी इजी। आपको एलकेजी एचकेजी में भी आपने पढ़ा होगा एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, इनके नेम्स आपको अगर बोलेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट। सो फर्स्ट वन, देयर वॉज अ हैंड, देयर वर ऑल्सो टू पिग्स ऑन द फार्म। इसका हिंदी बता देती हूँ, देयर वॉज अ हैंड, एक हैंड थी एंड वहां पे टू पिग भी थे, कहां पे, फार्म के ऊपर। तो आप सबसे पहले एक बात क्लियर समझ लीजिए, आपको लगता है कि जो बर्ड्स हैं, द बर्ड्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द एनिमल्स। ये एरियल एनिमल्स होते हैं, जो हवा में उड़ते हैं उनको एरियल एनिमल्स बोलते हैं, और जो बर्ड्स है वो एनिमल्स में ही काउंट होती हैं, उनको हम अलग से बर्ड्स बोलते हैं। ऐसे तो बहुत टाइप के एनिमल्स होते हैं, अलग अलग उनको बोलते हैं वाटर एनिमल्स, बट ये हैंड जो है ये बर्ड आप इसको बोलते हैं, बट दिस इज ऑल्सो अ एनिमल। सो एक तो हमारी हैंड है वो एनिमल होगी, और एक हमारे पिग्स हो गए वो एनिमल हो गए। तो इन दोनों के नीचे हमको क्या करना है, अंडरलाइन। नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन, एन एलिफेंट ट्रम्पेट्स, एक एलिफेंट चिंगाड़ रहा है, ट्रम्पेट्स, ट्रम्पेट करता है एलिफेंट, ट्रम्पेट करता है, जैसे डॉग बार्क करता है, कैट म्यू करती है, काउ मो करती है, ऐसे जो एलिफेंट होता है वो ट्रम्पेट करता है। सो यहाँ पे एनिमल, ट्रम्पेट तो उसकी साउंड है चिंगाड़ना, तो यहाँ पे एनिमल क्या है, एलिफेंट। तो हमको अंडरलाइन कहाँ पे करनी है, एलिफेंट के नीचे। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, द मंकीज आर ईटिंग बनानास, जो मंकीज हैं वो क्या खा रहे हैं, बनाना खा रहे हैं, केले खा रहे हैं। अब यहाँ पे मंकी ही तो एनिमल है ना, क्योंकि बनाना क्या हो गया, थिंग, चीजें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पेन, पेंसिल, ये सब हो गई चीजें। तो यहाँ पे एनिमल क्या है, मंकीज। तो आपको मंकीज के नीचे क्या करना है, अंडरलाइन। नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन, राहुल हैज अ पैट किटन, राहुल के पास एक पालतू किटन, कौन है, बिल्ली का बच्चा है। तो इसमें से राहुल क्या हुआ, पर्सन का नाम हुआ ये तो, और किटन क्या हुई, एनिमल हुई, क्योंकि कैट का बच्चे को बोलते हैं, कैट के बेबी को बोलते हैं किटन। सो अंडरलाइन ऑन द किटन। नाउ द लास्ट वन, वी सॉ लायंस एंड टाइगर्स इन द जू, हमने क्या देखे। ये पहली बात तो एक और चीज समझिए, आप लॉयन बोलते हैं, लॉयन, इट्स नॉट लॉयन, इट्स लायन, इसका एल आई होता है तो लायन होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन आप हमेशा ठीक कीजिएगा, दैट इज लायंस। लायंस और टाइगर्स कहाँ पे है, जू के अंदर, जू जो है वो तो जगह का नाम है, तो इसमें एनिमल कौन कौन से, लायंस एंड टाइगर्स। तो लायंस के नीचे अंडरलाइन और टाइगर्स के नीचे अंडरलाइन, अंडरस्टूड। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू एक्सरसाइज नंबर सी एंड डी इन योर इंग्लिश बुक ऑन पेज नंबर 42। ओके, यू डोंट हैव टू डू दिस वर्क इन योर नोटबुक। आपका जो ग्रामर वर्कशीट हो रही है उसको आपको नोटबुक में नहीं करना, आपको उसको बुक में ही फिल करना है, समझना है और लर्न करना है। टुमारो अगेन आई विल कम हियर टू मेक यू एक्सप्लेन द अदर टू वीडियोज ऑफ इंग्लिश। टिल देन थैंक यू।